नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, एक और नया वीडियो RSCET एग्जामिनेशन के लिए आपके सामने प्रस्तुत है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में RSCET बुक के 16 चैप्टर्स में से हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लाया गया है ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके और आप अपनी RSCET एग्जाम में बहुत अच्छी परसेंटेज बना सके। तो दोस्तों, हम स्टार्ट कर देते हैं अपने आज की वीडियो को। क्वेश्चंस इसमें है कंप्लीटली 35, और 35 में से कितने परसेंट आपके सही है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की सीमा है, यानी कंप्यूटर जो सिस्टम है इसकी लिमिटेशन क्या है, कि आप कंप्यूटर में कमी किसकी है, उसमें कमजोरी क्या है उसकी, ये आपको बताना है। स्पीड उसकी, शुद्धता, परिश्रम या फिर बुद्धि का अभाव। मित्रों, आपको जवाब देना है इसमें बुद्धि का अभाव। एक कंप्यूटर में बुद्धि का अभाव होता है, मतलब उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। तो आपका पहले प्रश्न में ऑप्शन डी सही आंसर। दूसरा प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलता है, इनमें से क्या है जो कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच देता है। दोस्तों, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर का मूलभूत प्रोग्राम है, हार्डवेयर पर रन होता है और अन्य सॉफ्टवेयर को मंच भी देता है। तीसरा प्रश्न है, कार्य प्रदर्शन भंडारण के आधार पर सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। पहले चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है, पूछा गया है कि कार्य प्रदर्शन तथा भंडारण के आधार पर कंप्यूटर सबसे तेज कौन सा है, मेन फ्रेम, सुपर, मिनी और उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इसका सही जवाब है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक विद्यार्थी की अपने वैकेंसी ग्रुप पर लास्ट एग्जाम में जो दी गई कमेंट बता रहा हूँ। दोस्तों, इस कमेंट में ये कह रहे हैं कि कितनी इनकी परसेंटेज बनी है, कैसी पढ़ाई वैकेंसी ग्रुप पर इन्होंने की है, ये आप खुद कमेंट को पढ़ कर देख सकते हो। ठीक है, चौथा प्रश्न है, पहले तीसरा हो गया अपना, चौथा, रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग होने वाले सूचना को संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे रैम द्वारा बार बार प्रयोग में लिया जाने वाले डेटा उसके अंदर सेव रहता है, मतलब एक ऐसी मेमोरी है रैम में जिस डेटा को आप बार बार यूज करते जाओगे वो इस मेमोरी में सेव हो जाती है, इस मेमोरी का क्या नाम है। मित्रों, इस मेमोरी का नाम है कैश मेमोरी। क्या नाम है? कैश मेमोरी। ध्यान रखना, कैश मेमोरी तेज गति की होती है रैम से भी। ठीक है, आगे पांचवा प्रश्न है, कौन सा प्रिंटर अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापने का कार्य करता है, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो उच्च गुणवत्ता की हाई वेक्टर ग्राफिक्स को छापता है। और इसका जवाब है दोस्तों प्लॉटर। प्लॉटर एक प्रिंटर है जो उच्च गुणवत्ता की हाई वेक्टर ग्राफिक्स जैसे कि मकानों के नक्शे या फिर आदि प्रकार की जो बड़ी बड़ी डिजाइन होती है उनको छापने का कार्य करता है। आगे चलते हैं, छठा, डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। दोस्तों, डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है, डेजी व्हील प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। सातवां, डीपीआई का पूरा नाम क्या है। मित्रों, डीपीआई का पूरा नाम है डॉट पर इंच, ये इसका सही आंसर है। अगर आपने डीपीआई का पूरा जो है जवाब सही डॉट पर इंच दिया है तो बिल्कुल आपने सही आंसर किया है। अगला देखिए, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बूटिंग। कंप्यूटर को चालू करना मतलब बूट करना। बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड और वार्म, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। नवा देखिए, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, यानी चार ऑप्शंस में से आपको आउटपुट डिवाइस का उदाहरण बताना है, स्कैनर, प्लॉटर, कीबोर्ड या फिर ग्राफिकल टेबलेट। और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आउटपुट डिवाइस यहाँ पर जो है वो है आपका प्लॉटर। अब एक और मैं यहाँ पर ट्रिक आपको बता देता हूँ, ऐसा कोई भी डिवाइस जिसके नाम के एंड में ER या फिर OR आ जाए, वो सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं स्कैनर को छोड़कर। स्कैनर को छोड़ देना, और जिस भी डिवाइस के लास्ट में नाम में अगर ER आ जाए या OR आ जाए, जिसे स्कैनर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर आदि जो भी आ जाए, है ना, नाम के लास्ट में ER OR, तो आउटपुट डिवाइस होता है वो वाला, बाकी सब इनपुट है, ये बात याद रखना। किसी विशेष कागज पर पेन या पेंसिल से बने निशानों को जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, यानी किसी विशेष कागज पर मान लो पेन या पेंसिल के निशान बने हुए हैं,
ठीक है, तो उसको जांचने के लिए कौन सा उपकरण काम में आएगा ये आपको बताना है। मतलब आप एग्जाम में जाते हो, वहां पर चार गोले आपको भरने होते हैं मार्कशीट में, ठीक है, तो उसमें गोला जो आप भर के आते हो उसको चेक करने वाला उपकरण है उसका नाम क्या है दोस्तों? उस उपकरण का नाम है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी ऑप्टिकली रूप से मार्क को रीड करता है। एक और बात बताना चाहूंगा दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद, एक वीडियो हमने पहले से अपलोड कर रखा है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, हाउ टू फिल RSCET OMR शीट, यानी RSCET की OMR शीट को कैसे भरें, या आप देखोगे तो आपको वैकेंसी गुरु का वीडियो मिल जाएगा, उसमें कंप्लीटली समझा रखा है कि कैसे आपको OMR शीट भरना। ओके, 11वां, निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली नहीं है, यानी इनमें से कौन सी एक ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली नहीं है जहां पर आप ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सकते? डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, कैश से नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 11वें में डी ऑप्शन सही है। अगला, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? चार ऑप्शन सही, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है, गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स या उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो वेब ब्राउजर का उदाहरण है वो है गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, मतलब तीनों सभी यहाँ पर वेब ब्राउजर के उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग की साइट नहीं है? यहाँ पर यह आपको बताना है कि सोशल मीडिया की साइट यहाँ पर कौन सी नहीं है, फेसबुक, माई स्पेस, ट्विटर या विकिपीडिया। दोस्तों सोशल नेटवर्किंग की साइट यहाँ पर विकिपीडिया नहीं है, बाकी ये तीनों सोशल मीडिया की साइट्स हैं, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। और इसके अलावा इंस्टाग्राम भी सोशल मीडिया की, सोशल नेटवर्किंग की साइट है या मोबाइल ऐप है। आगे चलते हैं, HTML का पूरा नाम क्या है? मित्रों HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी एक ऐसी लैंग्वेज जो हाइपर टेक्स्ट को उत्पन्न करती है, ठीक है, HTML कहलाता है। और ये भाषा काम में आती है वेबसाइट बनाने के, वेबसाइट जो लिखी जाती है वो HTML भाषा में लिखी जाती है। 15वां प्रश्न, एक नेटवर्क है जो दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, एक ऐसा नेटवर्क जो दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देता है उसे हम इंटरनेट कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इंटरनेट। ये 15वें में इसका बी ऑप्शन सही है। 16वां प्रश्न का जवाब आप सभी को देना है, ठीक है, आपको देना है। 16वें का क्या जवाब है? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, चार ऑप्शंस में से आपको कमेंट करके जवाब देना है, आपको खुद को बताना है कब हुई थी, ठीक है। 17वां प्रश्न, एक प्लास्टिक का कार्ड है जो ग्राहक को उधार खरीदने की सुविधा प्रदान करता है, एक प्लास्टिक का कार्ड जो ग्राहक को उधार खरीदने की सुविधा देता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों प्लास्टिक का कार्ड जो ग्राहक को उधार खरीदने की सुविधा देता है ना, यहाँ पर मेन चीज है उधार खरीदना, तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको उधार खरीदना है तो क्रेडिट कार्ड ले जाओ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से जो पैसा आप चुकाते हो ना वो आपको एक महीने बाद बैंक को चुकाना होता है, जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, मतलब सेम डे आपको नहीं चुकाना, तो क्रेडिट कार्ड से उधार खरीदा जा सकता है। 18वां प्रश्न, POS का पूरा नाम क्या है? और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक आपको अभी प्रश्न पूछा था, कौन सा? 16वां, कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई, और इसका आंसर है दोस्तों, अगर आपने कमेंट किया है अगस्त 2014, तो बिल्कुल आपका सही आंसर है अगस्त 2014। आगे चलते हैं अपन, पोस का पूरा नाम क्या है? दोस्तों POS का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल, यानी 18वें में ए आंसर सही है, पॉइंट ऑफ सेल। 19वां देखिए, पेटीएम, SBI बडी, फ्री चार्ज आदि किसके उदाहरण है? दोस्तों पेटीएम, SBI का बडी और फ्री चार्ज, ये तीनों मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है, ठीक है, किसके उदाहरण है? मोबाइल वॉलेट के। तो अगर आपने जवाब दिया है ऑप्शन ए तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। 20वां देखिए, और 20वां प्रश्न बताने से पहले मैं आपको एक जानकारी दूंगा। दोस्तों आपके मन में एक बात आती होगी कि RSCET में वैकेंसी गुरु से जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो दो दो तीन तीन दिन में उनकी परसेंटेज 80 से ऊपर कैसे बन जाती है, ऐसा क्या करते हैं उनकी 80+ परसेंटेज बन जाती है? तो दोस्तों ध्यान दें, वो विद्यार्थी लाइव क्लासेज और वीडियोस तो देखते ही हैं, इनके अलावा वो वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाकर वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, और वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, अगर वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से, तो वहां पर आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट देने को मिलेंगे जिनसे आपकी तैयारी बेहतर होगी। और दोस्तों परसेंटेज तब बनती है जब हम क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है एग्जाम में कि हमें आता है प्रश्न फिर भी हम गलत करके आ गए हो,
वो तब होता है जब हमारी प्रैक्टिस नहीं है। प्रश्न तो आते हैं, प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस करने के लिए ऑनलाइन टेस्ट है और जो उपलब्ध है आपके कहाँ पर, वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप पर, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और फ्री में टेस्ट देकर देखिए, आपकी तैयारी का मालूम आपको चल जाएगा। अगला प्रश्न है, ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री कहाँ पर उपलब्ध होती है, कैसे उपलब्ध होती है, किस फॉर्मेट में मिलती है? तो ऑनलाइन आप पढ़ते हो दोस्तों, आपको वीडियोज भी देखने को मिल सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट भी मिल सकते हैं, पीडीएफ भी आपको मिल सकता है। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। तो अगर 20वें में आपने डी जवाब दिया तो बिल्कुल सही है। अगला 21वां प्रश्न है, कुछ खरीदने और बेचने के काम में आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी में आती है? ऐसी वेबसाइट जहां पर हम कुछ खरीद सकते हो, कुछ बेच सकते हो, उन वेबसाइट्स को दोस्तों ई कॉमर्स की वेबसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ई कॉमर्स की वेबसाइट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, और ई कॉमर्स का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। 22वां, अपने दोस्तों और संबंधियों से संपर्क बनाने के काम में आने वाली वेबसाइट को इस कैटेगरी में रखा गया है। ऐसी वेबसाइट्स जो अपने दोस्तों और संबंधियों से संपर्क बनाने के काम में आती है, दोस्तों उन्हें सोशल नेटवर्किंग की साइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट्स, यानी 22वें में बी सही जवाब है। 23वां, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार की सुविधा है, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग है वो इन चार में से कौन सी है? दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग में क्या करता है, एक व्यवसायी से एक ग्राहक खरीदता है, तो B2C की सेवा हो गई है। व्यवसायी से कौन सा खरीदता है? ग्राहक। जैसे आपने ऑनलाइन खरीदा तो आप एक ग्राहक हैं, आपने किससे खरीदा? एक बिजनेसमैन से। तो बिजनेस टू कंज्यूमर, इसका सही जवाब हो जाएगा B2C, ऑप्शन बी। 24वां, निम्न में से कौन सी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, यानी ऐसी वेबसाइट जहां से हम कुछ खरीदते हैं या फिर कुछ बेचते हैं, कौन सी है? फेसबुक, फ्लिपकार्ट, यूट्यूब और विकिपीडिया। आप सबको इसका जवाब आता है, मैं अगर नहीं भी बताऊं तो भी आता है, ठीक है? तो आपको इसका जवाब, अगर आपने भी फ्लिपकार्ट सोचा है तो बिल्कुल सही है। अगला है, BSBY योजना के तहत सामान्य बीमारी पर दी जाने वाली बीमा की राशि क्या है? दोस्तों सामान्य बीमारी पर अगर IPD में अगर कोई पेशेंट रहता है तो उसको 30,000 की सेवा सुविधा मिलती है, और गंभीर बीमारी में तो आजकल चिरंजीवी में 10 लाख रुपया हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, किसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते, यानी आप किसका यूज करके वर्तमान डॉक्यूमेंट की लोकेशन को अन्य डॉक्यूमेंट से या फिर किसी वेबसाइट से जोड़ सकते हैं? दोस्तों इसका सही जवाब है हाइपरलिंक। अगर आपने एमएस वर्ड में सीखा होगा तो हाइपरलिंक सीखा होगा आपने वहां पर, और हाइपरलिंक जो है एक साइट को दूसरी साइट से जोड़ने का काम करता है या एक पेज को दूसरी जगह से जोड़ देता है। अगला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम .docx होता है। क्या होता है? .docx। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नेम क्या है? दोस्तों एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नेम होता है .xlsx, ठीक है? यानी कि ऑप्शन आपका सी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा औसत का सूत्र सही सूत्र है एवरेज निकालने का? तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको एवरेज निकालना हो तो उसका सही फॉर्मूला है इक्वल AVERAGE, एवरेज, ब्रैकेट ओपन, वैल्यू सेलेक्ट करनी है कहां से कहां तक का निकालना है और उसके बाद ब्रेक इट ऑफ करना है, ये सही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 29वें में। अगला है 30वां, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही रूप में प्रविष्ट है, यानी यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं उनमें से सबसे सही फॉर्मूला कौन सा है? दोस्तों सही फॉर्मूला जो है वो है ऑप्शन डी, अर्थात इक्वल SUM ब्रेक इट ओपन A1:A10, ये इसका सही फॉर्मूला है। तो अगर आपने 30वें में ऑप्शन डी जवाब दिया तो बिल्कुल आपका सही आंसर। अगला, निम्न में से किस फॉर्मूले का प्रयोग संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए आप किस फॉर्मूले का यूज करते हैं? मित्रों आपको बताना चाहूंगा, संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए हम गोल सीक का यूज करते हैं। किसका? गोल सीक का, ठीक है? आगे चलते हैं, यहां पर एक गलती हुई है, गोल सीक नहीं वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी वी लुकअप। संबंधित रिकॉर्ड का अगर पूछा जाए तो वी लुकअप का यूज करते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं 32वें में, कौन से फंक्शन का प्रयोग अज्ञात वैल्यू का पता लगाने के लिए और वैल्यू का पूर्वानुमान लगाने के लिए करते हैं? तो वैल्यू, अज्ञात वैल्यू और वैल्यू का पूर्वानुमान, इसके लिए हम गोल सीक का इस्तेमाल करते हैं। किसका? गोल सीक का। 33वां प्रश्न, पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या है? दोस्तों पावर पॉइंट में नया स्लाइड लेना हो उसकी शॉर्टकट की Ctrl+M होती है। क्या होती है? Ctrl+M, न्यू स्लाइड के लिए Ctrl+M है ना, न्यू फाइल के लिए Ctrl+N और न्यू स्लाइड के लिए Ctrl+M। अगला,
34वां प्रश्न है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? दोस्तों पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम जो है वो होता है .pptx 2010 का, ठीक है ना। पावर पॉइंट 2010 और 2007 का एक्सटेंशन नेम .pptx होता है, और 2003 है तो उसका होता है .ppt ओनली। 35वां देखिए, पावर पॉइंट में स्लाइड चेंज होने पर जो प्रभाव प्रदर्शित होता है उसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों जब पावर पॉइंट में हम एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाते हैं उसके बीच में जो इफेक्ट आता है उसको हम स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 35 में से टोटल कितना परसेंट सही हुए कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो आपको लाइक आपने कर दिया तो आपको धन्यवाद, और नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय बाय, धन्यवाद।